तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना भीड़ है यहाँ पे कि कहना नहीं। इन आंखों में मती गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो गाइज आज जैसे कि देख रहे हैं कि बैग पैक कर लिए, देख सकते हैं कि बैग पैक कर लिए हैं, बैग पूरा पैकिंग हो चुका है, इसमें कपड़ा भी ले लिए। और गाइज बता दें कि आज बहन का ससुराल जाना है, यहाँ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ जाना है। और वहाँ पे रूस मेला लगता है, वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए आप लोग वहीं जाकर बताएंगे अच्छी तरह से। कि सिस्टर भी तैयार हो चुकी है उधर बैठे, और मेरे भांजी देख सकते हैं कि भांजी भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सज धज कर जाना है ना, मेला जाना है ना। हाँ तो ये मेला जा रही है, मेरा भांजा है, नया नया आया हुआ है, ये देखिए गाइस मेरा भांजा। और देख सकते हैं कि अभी इसका ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, कुल मिला के करीब 15 दिन ही हो रहा है। और देखिए रोने का कोशिश कर रहा है, नहीं नहीं ये देख सकते हैं। तो इसी को लेकर जाना है, इसी को भी, और हम लोग भी घूमना है मेला, क्योंकि कभी गए नहीं है। सुने हैं कि वहाँ पर काफ़ी दूर से लोग आते हैं, और वहाँ पर रात भर कवाली भी बजता है, और वहाँ पर कोई मन्नत मांगते हैं तो पूरा हो ही जाना है, ये लोग कहते हैं। क्योंकि हम कभी गए नहीं हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं ये पता भी नहीं, लेकिन गए नहीं है, लेकिन जाकर वहाँ आप लोग को भी दिखाएंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहें। सो गाइस फाइनली पहुँच मिल गए यहाँ पर, बहुत इंतज़ार भी करवाएँ, और जब टेम्पू में ऑटो में आ रहे थे तो प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि रोड ख़राब था। और देखिए मम्मी इधर हो गई, और रिया हो गई इधर, बस हाय तो बोलिए, हाय एवरीवन। और देखिए मेरे भांजे बिल्कुल सो चुके हैं, इधर दिखाते हैं आपको अपना भांजे, सिस्टर सो गए थे, और देखिए इधर भांजी है मेरे इसका तो उसी समय से, और मेरे भांजे इधर है, भांजे इधर हो गया। जोरी पहुंच चुके हैं, जोरी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं होल्ड करना पड़ा खाना के लिए, गुप्ता ढाबा उल्टा लिखा हुआ है लेकिन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अभी सब लोग खाना खाएगा, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट बाद। फिर इसके बाद अभी खाना खाते हैं, उसके बजाते हैं मेला घूमने के लिए। तो फाइनली मेला आ चुके हैं, देखिए इधर मेला आपका हो गया जिंदा साहब बाबा का, और ऊपर में देखिए उनका समाधि है, ऊपर में ये पूरा समाधि है। तो चलिए आप लोग मेला का आनंद दिखाते, उठाइएगा मेला दिखाते आप लोग को। अभी जा रहे हैं बाबा से मन्नत मांगने के लिए, माँ तो मन्नत मांग के आ गई, तो जा रहे हैं फाइनली अंदर, इधर अंदर जा रहे हैं, उसके बाद मन्नत मांग के बाहर आते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, पहले बाबा से मन्नत मांग चुके हैं,
और अभी जा रहे हैं बाहर, खुद निकल रहे हैं, परेशानी दूर हो जाए, जा चुके हैं बाहर। तो गाइस चलिए अभी आगे निकलते हैं बाहर, फिर उसके बाद शाम को आते हैं यहाँ से, और वापसी अभी घर जा रहे हैं, उसके बाद शाम के आते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। चलिए आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर बाबा से मन्नत मानस है कि सब सब लोग पूर्ण होता है, आप एक बार जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर काफी मतलब कि यहाँ से गया से आप यहाँ मेघरा नारायणपुर आ सकते हैं। सरकार इनकी बीमारी से बचाना बाबा, हर परेशानी दूर कर दे बाबा, एकदम खुश है। हम सोच सोच कर आए, एकदम पूरा हो जाए। दे बहनी नहीं 100 की खुश रहिए, विजय बही रहिए। तो गाइस हम लोग फाइनली बाहर जा रहे हैं, और साउंड इतना काफी ज्यादा है, कहना नहीं है, उधर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग का बाबा के पास यहाँ पर सामान दिख रहा है। गाइस हम लोग आप बाहर जा रहे हैं, देख सकते हैं कि अभी जो मौज इधर है, अभी जो इतना फुर्सत मिल गया, बाबू को भी फिलहाल नहीं लाए थे। चलिए अभी फिर वीडियो तो बाकी है, क्योंकि लास्ट है, अभी शाम तक घूमने आना है फैमिली के साथ में, क्योंकि अभी स्पेशल अपना भांजे के लिए नियाज करवाने आए थे, और वो पापा भी चले गए यहाँ से मोहित जी के साथ में। तो आप लोग को लास्ट वीडियो देख रहेगा इस भाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना भीड़ है यहाँ पे कि कहना नहीं है, ये चार लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है, कि आप लोग देखे भी कितना भीड़ है। और यहाँ पर मम्मी यहाँ पर है, और यहाँ पर जितना भी लोग हैं यहाँ पे मौज देखिए यहाँ पर है। तो गाइस हम लोग तो मेला घूमने जरूर आए, लेकिन यहाँ से ज़्यादा प्रदूषण से ज़्यादा परेशान ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर इन लोग का प्लान है कि हम लोग यहाँ चढ़ें। इसमें ये क्या है, इसमें चढ़ना है इन लोग को, जो टिकट नहीं कटाया है लोग का टिकट कटाएंगे, उसके बाद वहाँ चढ़ेंगे जाकर, और उसके बाद फिर मेला घूमेंगे हम लोग। आप लोग लास्ट वीडियो देखते रहे हैं, वीडियो का भी अंत मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। गाइस यहाँ पर क्वाली भी होता है, और देखिए क्वाली के स्टेज उस साइड में सजा हुआ है, वो साइड में क्वाली जो स्टेज है उसमें सजा हुआ है, मेरा है। और इधर देखिए मेला पूरा पूरी पूरा भीड़ है, इतना भीड़ कहना नहीं है, आप लोगों को देखने तो मज़ा आया होगा, शायद मज़ा आया होगा, नहीं वो भी हमारे पता नहीं है, लेकिन वो फ्ली नहीं दे सकते, इतना हमको मज़ा आया। गाइस देखिए ऊपर देखिए जितना ऊपर लाइट जल रहा है, ऊपर जो पाँच जितना लाइट जल रहा है, वहाँ पर पूरा आदमी जा रहा है अभी भी, और वहाँ पर जिनहाट बाबा का वहाँ पर स्थान है ऊपर पहाड़ पे।
तो चलेगा फिर आप लोग मेला के इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, उसके बाद फिर कवारे दिखाएंगे। शांतिपूर्वक माहौल बनाने में आप हमारी मदद कीजिए, कोई धक्का मुक्की ना किसी को कीजिए, सब मेहमान हैं, सब एहतराम वाले हैं, सबका शुक्रिया, मगर आपस में लड़ा। बाबा के मेन वहाँ पर जो है स्थान वहीं पर है, तो चलते हैं पहाड़ के ऊपर। अभी ऊपर पहाड़ की ओर चलेंगे, देखिए इस साइड में चलेगा, जब ऊपर चलते हैं तुरंत में। ये आपका नीचे का नज़ारा हो गया, जो नीचे साइड का जो मेला लगा हुआ उसका नज़ारा हो गया। पहाड़ पर फैमिली आधा चढ़ चुके हैं, अभी पूरा चढ़ना बाकी है, तो चलिए ऊपर जाकर दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारा कैसा लगता है देखने में। फाइनली ऊपर चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि जिनहाथ बाबा का यहाँ पर मेन स्थान हो गया पहाड़ के ऊपर में, और नीचे देख सकते हैं पूरा मेला लगा हुआ है, वो पूरा मेला लगा हुआ है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर मेरा चेहरा दिखा नहीं दे रहा क्योंकि पूरा अंधेरा है यहाँ पे, तो अभी बिल्कुल नहीं दिखा सकते मेरा चेहरा क्योंकि पूरा अंधेरा है। अब चारों तरफ दिखा घुमा के दिखा सकते हैं कि ये चारों तरफ जितना देख सकते हैं यहाँ पे, ये इधर हो गया, जितना लाइट जल रहा है पूरा ही मेला ही लगा हुआ है गाइस इधर पूरा। तो चलिए आप लोग नीचे दिखा कर बताते हैं। तो गाइस अभी सोचे कि चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मोहित मदद कर दिया लाइट दिखाने में, और हम फाइनली ऊपर चढ़ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। तो बैक साइड में देख सकते हैं कि मोहित जी बैक साइड में, और यहाँ पर जिनहाथ बाबा का स्थान है और इनका कृपा हमेशा बरसते रहता है। एक बार यहाँ पर आकर आप लोग देखें, या बाबा सबको मनोकामना पूरा करते हैं, मन्नत सबको पूरा करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग ऑल फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल फैमिली, मम्मी देखिए इधर है और मोहित जी देखिए इधर है, ये हो गया मोहित जी, लाइट जला जाकर देख रहे हैं आप, दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए आयुष इधर है, ये आपका अंजलि हो गई, हाय बोलिए। अरे किधर अंजलि, देखिए अंजलि इधर हो गई, इधर मम्मी हो गई, और रिया इधर हो गई। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल ऊपर चढ़ चुके हैं, आप नीचे उतरने वाला है, तो चलिए अब नीचे उतर के दिखाते हैं कि, क्योंकि अभी अशोक जी के नीचे छोड़ चुके हैं, फिर आगे जाके दिखाते हैं आप लोग को। घर ही पहुँचना, कवाली भी सुनना, देखिए नीचे नीचे जो स्टेज बना हुआ है, सामने में स्टेज बना हुआ है कवाली का, वहाँ का भी आप लोग एंजॉय कराएंगे, लेकिन पहले उतर तो जाए नीचे। गाय तो फाइनली उतर चुके हैं ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से उतर चुके हैं दर्शन करके, और यहाँ पर देख सकते कवाली हो रहा है, तो उधर उस ओर चलते हैं अभी तुरंत। लातो वीडियो देखते रहे गाइज। ऐसा मेरा जीना हो और जब मौत मुझे आए, जब मौत I'm gonna make you mine।
उनकी जानिब से 500 रुपए आता हुआ शुक्रगुजार हूँ जनाब। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज्यादा भीड़ है और पीछे चढ़ने के लिए और यहाँ पर अभी रात भर कवाली देखेगा, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं कवाली देखने के लिए। क्या बताएं, अभी तो फिलहाल अभी जा रहे निकलते हैं यहाँ से क्योंकि रात भर कवाली चलेगा, उतना भी नींद हराम हो जाएगा। तो गाइस चलिए फिर आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग जाने के लिए, आपका गया से रास्ता है, गया से करीब 80 किलोमीटर है वहाँ पर, और वहाँ पर मेला लगता है। जो मेला लगता है, मेला आपका होली के 6 दिन बाद लगता है, रूस मेला वहाँ, जहाँ पर जिंदा मतलब जिंदा बलि बलि नाम है, नारायणपुर मेगरा नारायणपुर गया जिला में पड़ता है, इमामगंज से आपका रास्ता गया है उस मेला के लिए, होली के 6 दिन बाद लगता है वो मेला। तो गाइस चलिए आप लोगों को फिर नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।